तो अभी डोल आश्रम के अंदर ही जा रहे हैं। चितई मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल गए डोल आश्रम। चितई मंदिर से डोल आश्रम का जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है और हम गए वाया लमगड़ा होते हुए। लमगड़ा एक बहुत ही सुंदर गांव है और चितई मंदिर से डोल आश्रम की जो डिस्टेंस है वो 40 से 50 किलोमीटर का है। अभी बज गए हैं शाम के 5 और अभी हम चितई से पहुंच गए हैं डोल आश्रम। जो डिस्टेंस है चितई से डोल आश्रम का वो है 40-45 किलोमीटर और अभी आपको सामने दिख रहा होगा वो डोल आश्रम ही है। कितना सुंदर लग रहा है। अभी हमें वहीं जाना है। हम उस रोड से आ रहे हैं और ये जो रोड जा रही है ये डोल आश्रम के लिए ही जा रही है। और ये जो रास्ते में हम वाया लमगड़ा होते हुए आए थे और बहुत सुंदर रास्ता है और मतलब लोकेशन जो है एक नंबर है। तो बस अभी यहाँ रुके हैं, थोड़ा फ़ोटो और वीडियो ले लेते हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ यहाँ से दूर से कितना सुंदर लग रहा है डोल आश्रम। बस अभी वहीं पहुँचते ही हैं। तो अभी डोल आश्रम के अंदर ही जा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए थे जो आश्रम में, वहाँ पहुंच गए थे और अभी हमको रूम मिल गया, अवेलेबल हो गया। अभी चाचा जी है वो रूम देखने के लिए गए हैं और उसके बाद फिर हम जो लगेज है अपना सामान वहाँ पे रखवाते हैं जहाँ पे रूम्स हैं, फिर चलते हैं आगे। और जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, जो अलाउड है बस यहीं तक, जो यहाँ पर ही इसी एरिया में अलाउड है। उसके अंदर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर हम जाएँगे अभी अंदर, वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो बना नहीं पाऊँगा। और बस अभी अपना सामान रखते हैं अंदर, फिर मिलते हैं आपसे।